नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक इंसान कई तरह के रिश्तों में बंधा होता है। इनमें से पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो कि दोनों को एक साथ और उनके परिवारों को भी आपस में जोड़कर रखता है। किसी भी रिश्ते को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब उस रिश्ते में अटूट विश्वास और प्रेम हो। ऐसे में यदि पति और पत्नी के बीच विश्वास की कमी आ जाती है तो उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आने लगती हैं। वैसे तो पति और पत्नी एक दूसरे के साथ हर दुख और सुख साझा करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो वो एक दूसरे को बता नहीं पाते। शायद यही बातें उनके टूटते रिश्ते को बचाकर नहीं रखती हैं। यदि आप भी शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से कुछ भी छिपाकर ना रखें ताकि आपके रिश्तों में किसी गलत फहमी की जगह ना हो। ये नियम पुरुष और महिलाओं दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही बातें बताएंगे जो हर शादीशुदा महिला अपने पति से छिपाती है। नंबर एक, बीते हुए कल की बातें। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में भले ही कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन अतीत की कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं पाते हैं। आज के समय में हर किसी को प्यार होना आम बात है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं अपने पति से अपने पहले प्यार की बातें छिपाकर रखती हैं और उन्हें अपने दिल में ही दबाकर रखना चाहती हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि वो अपने अतीत की कड़वी यादों को साझा करके अपने आज को खोना नहीं चाहती हैं। नंबर दो, अपनी बीमारी की बातें। दोस्तों, महिलाओं का जीवन सबसे कठिन होता है क्योंकि मासिक धर्म की पीड़ा जैसे कई दुख महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं। दुनिया की अधिकतर महिलाएं अपने पति को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती। दरअसल वो नहीं चाहती कि उनके पति उनकी बीमारी को लेकर किसी प्रकार का तनाव लें। वो हमेशा ऐसा सोचती हैं कि अब वो ठीक हो रही हैं तो ऐसे में पति को परेशान करके कोई फायदा नहीं होने वाला। हकीकत में वो अपने पति को तनाव मुक्त रखना चाहती है। नंबर तीन, सीक्रेट लव क्रश। दोस्तों, हम सभी इंसान प्यार के भूखे होते हैं। जहां भी हमें थोड़े से प्यार की उम्मीद होती है वहीं हम खींचे चले जाते हैं। प्यार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शादी के बाद किसी पर सीक्रेट क्रश होना भारतीय समाज में ठीक नहीं माना जाता है। कोई भी महिला अपने पति को अपने सीक्रेट क्रश के बारे में नहीं बताती। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं ये बात उनके पति पत्नी के रिश्ते में दरार ना ले आए। नंबर चार, पैसे छिपाना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा पत्नी अपने पति की जेब से पैसे निकालकर छिपा लेती है। ये सच भी है। बहुत सी पत्नियां अपने पति से चोरी करके उनसे पैसे बचाकर रखती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वो भविष्य में आने वाली मुश्किलों के प्रति खुद को तैयार रखना चाहती हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें कभी पैसों की कमी ना आए और उनके पास हमेशा बैकअप प्लान बना रहे। नंबर पांच, इच्छा दबाए रखती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनती और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं पीछे हटकर पति की बात मान लेती हैं, चाहे वो उस फैसले के लिए दिल से तैयार हों या ना हों। अपने मन की इच्छा पति के सामने प्रकट नहीं करती हैं, परंतु पति का भी यह कर्तव्य होता है कि वह पत्नी के मन की इच्छा को समझें और उसे महत्व दें। ऐसा करने से दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बार बार पत्नी का दमन करने से वह पति से दुखी रहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में प्रवेश हो सकता है। नंबर छह, सहेलियों को राज बताती हैं। दोस्तों, चाणक्य जी बताते हैं कि अक्सर महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ कई राज की बातें शेयर करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बेवजह लोग उनसे उधार मांग सकते हैं अथवा आर्थिक संकट के समय उसकी कोई मदद भी नहीं करेगा। महिलाएं पति से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बताती हैं, लेकिन ये बात वो अपने पति से छिपाती हैं। अब आइए जानते हैं कि पत्नी को पति का कौन सा अंग अवश्य छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार सामान्यतः सभी लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग, संत, महात्मा, वृद्ध आदि के पैर अवश्य छूते हैं। पैर छूने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है।
इस परंपरा के पीछे कई कारण मौजूद हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बड़े लोगों के पैर छूने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारा दुर्भाग्य दूर होता है और मन को शांति मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ ही पति के पैर छूने की भी परंपरा बनाई गई है। वैसे आजकल अधिकांश लोग इसे दकियानूसी सोच मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले पति के पैर छूने चाहिए और शाम को जब पति घर पर आए तब भी पैर जरूर छूने चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों कहते हैं कि पति के पैर छूना यानी उसके प्रति समर्पण भाव जगाना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार अपने आप खत्म होता है, इसलिए पति के चरण स्पर्श की परंपरा बनाई गई है ताकि पत्नी के मन में हमेशा पति के लिए सम्मान की भावना रहे और पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बना रहे, दोनों के रिश्तों में प्रेम बना रहे। इसीलिए प्रणाम करने की भी परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। और जहां पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है वहां देवी लक्ष्मी वास करती हैं, उस घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है और खुशियां आती रहती हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है हमारा चैनल और ज्यादा डिजर्व करता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।